हेलो एवरीवन, स्ट्रीट 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 एमसीक्यूज हैं उनको हम सोल्व करेंगे। आरपीएससी द्वारा बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है, राजस्थान में रेगिस्तान का प्रतिशत भाग है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 61% भाग पर रेगिस्तान का विस्तार माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, चुरू, बाड़मेर, ठीक है, इनका जो इलाका है, मारवाड़ी, मारवाड़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका जो संपूर्ण क्षेत्र है, जो थार का मरुस्थल है, वो सारा भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, राजस्थान के कुल 12 जिले हैं, उनमें रेगिस्तान का विस्तार है। दूसरा हमारा है, राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, जबकि भारत की कितनी है, 121.06 करोड़। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% भाग राजस्थान में निवास करता है। नेक्स्ट हमारा है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहलाता है। तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसको कहते हैं, खेजड़ा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के खनिज उत्पादन में 100% उत्पादन वाला राजस्थान का खनिज है, बोलोस्टोनाइट व जास्पर, रॉक फॉस्फेट व सीसा, लोह अयस्क, सोप स्टोन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, बोलोस्टोनाइट व जास्पर जो है, इसका 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट हमारा है, काजरी संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। तो काजरी संस्थान जो है वो जोधपुर में स्थित हैं, और इसका मुख्य कार्य क्या है, जो सूखा क्षेत्र होता है उस पर ये अनुसंधान करता है। नेक्स्ट हमारा है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध किस जिले में है। तो ये हमारा है टोंक जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है राजस्थान का, जयपुर। नेक्स्ट हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 928। ठीक है, जबकि भारत का कितना है, 943। ठीक है, 943 ये भारत का है, और राजस्थान का कितना है, 928। नेक्स्ट हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला। तो महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की राजस्थान में, कोटा जिले की है। ठीक है, कितनी है, 65.9%। ठीक है, जबकि न्यूनतम जो है वो किसकी है, जालौर जिलों की है। ठीक है, जालौर जिले की कितनी है, 38.5%। नेक्स्ट हमारा है, 10वां क्वेश्चन, राज्य में आरटी एक्ट लागू किया गया था। तो राजस्थान में जो आरटी एक्ट है वो कब से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से। डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट हमारा है, जैसलमेर में स्थित हैं नाहरगढ़ किला, तारागढ़ किला, सोनार किला, उपरोक्त सभी। तो जो सोनार किला है वो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, जबकि जो नाहरगढ़ किला है वो जयपुर में, और तारागढ़ किला जो है वो अजमेर में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा है, 12th, रणथंभौर स्थित हैं। तो रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा है, राज्य में नए पर्यटन पैकेज में शामिल हैं पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज होटल, पेइंग गेस्ट स्कीम, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में मंडल हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला कहाँ मनाया जाता है। तो राजस्थान में गोगा जी का जो मेला है वो गंगानगर में लगता है, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। तो राजस्थान की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से प्रारंभ की गई थी, 1951 से। 17th क्वेश्चन हमारा है, 2011 के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत। तो राजस्थान में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है, 67.1%। नेक्स्ट हमारा है,
ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जिसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों को हम ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19th क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया। तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 1989 में जो पर्यटन है उसको उद्योग घोषित किया गया था। ठीक है, मार्च 1989 में। नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना हुई। तो RTDC जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979, ठीक है, 1979 में हुई। ठीक है, 1 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा है, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है और उसमें से राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना भाग है, 10.41%। नेक्स्ट हमारा है, भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, 5.7%। भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 121.06 करोड़, जबकि राजस्थान की जो है वो कितनी है, 6.85 करोड़। तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 5.7%। नेक्स्ट हमारा है, खनिज संपदा के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। तो राजस्थान का भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किसका है, बिहार का। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। तो जयसमंद, पिछोला और नकीय तीनों मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, डीडवाना जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी हैं, इनमें से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक हैं। तो बनास नदी, काली सिंध और परवन तीनों चंबल नदी की सहायक नदी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। तो इसके अनुसार 33.33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में केवल 7 से 8% भाग पर ही वन है। ठीक है, जो कुल भारत का बहुत ही कम है। नेक्स्ट हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस खनिज का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम नाम का जो खनिज है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 28, राजस्थान की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि का वर्ष है। तो राजस्थान की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि का जो वर्ष है वो है 1921। 1911 की अगर हम बात करते हैं तो 1911 में जो जनसंख्या थी, ठीक है, वो कितनी थी राजस्थान की, 1.10 करोड़। ठीक है, जबकि 1921 में कितनी हो गई थी, 1.03। ठीक है, कम हो गई थी, और कितनी कम हुई थी अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो ये है माइनस के 6.29% कम हो गई थी। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर जिसको हम कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सही जोड़ा नहीं है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, ये भी बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी झालावाड़, ये गलत है। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे हैं, बूंदी में स्थित हैं। और नथमल की हवेली जैसलमेर, ये भी सही है। 3 जोड़े जो हैं वो सही है, सी ऑप्शन हमारा, 84 खंभों की छतरी झालावाड़ में नहीं है, कहाँ पे है, बूंदी में। नेक्स्ट हमारा, सॉरी देखिए इसमें क्या है, निम्न में से सही सुमिलित हैं। तो चक्री नृत्य मेवाड़ में नहीं है, ठीक है, कहाँ पे होता है, हाड़ौती में, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट हमारा है, अग्नि नृत्य जोधपुर में नहीं होते, ठीक है, उसका संबंध किससे है, बीकानेर से, तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। मीनाकारी के जो आभूषण है वो बाड़मेर से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, जयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, तो ये भी सही नहीं है। ब्रह्मा मंदिर जो है वो पुष्कर में, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, हमको पूछा हुआ था सही सुमेलित हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन, ब्रह्मा मंदिर जो है वो कहाँ पर है, पुष्कर में।
नेक्स्ट हमारा है एशिया का श्रेष्ठ पक्षी विहार है। तो एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ पक्षी विहार है वो कौन सा है? केवलावदेव भरतपुर, ठीक है। जबकि जो सरिस्का और रणथंभौर हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार कितने जिलों में है? ठीक है, राजस्थान में जो मरुस्थल का प्रसार है वो 12 जिलों में है। इसमें मुख्य रूप से बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ का जो क्षेत्र है और जिसे हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है, ये सारा जो क्षेत्र पहले, ठीक है, 61% जो हमने बताया था शुरू में पड़ा था, तो 12 जिलों में प्रसार है। नेक्स्ट हमारा है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। राजस्थान का अगर हम मैप अगर देखते हैं तो ये जो विस्तार है वो इस तरीके से है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान में अकाल का वर्ष है, तो राजस्थान में अकाल की जो स्थिति है वो पड़ी थी 1991-92 में और 2002-2003 में, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है राजस्थान के तेल क्षेत्रों का नाम नहीं है, मंगला, रागेश्वरी, कामेश्वरी, समला। तो मंगला, रागेश्वरी और कामेश्वरी ये राजस्थान के तेल क्षेत्रों के नाम हैं, डी ऑप्शन। समला जो है वो किसी तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो लूणकरणसर, डिडवाना, सांभर, ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं, तो डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट हमारा है भारत के कुल कृषि क्षेत्र का राजस्थान में भाग है, तो भारत के कुल कृषि क्षेत्र का राजस्थान में 13.9% भाग है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने से प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो कम है, ठीक है, उत्पादकता जो है ज़्यादा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट हमारा है चंबल नदी पर बनाया गया बांध नहीं है, जो निम्न हमको चार बांधों के नाम दे रखे हैं गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और माही सागर, ठीक है, इनमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है? तो डी ऑप्शन माही सागर बांध जो है वो माही बांध पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान वाला जिला है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी की अगर हम बात करते तो ये हमारा चूरू जिला है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत में राजस्थान का जो स्थान वो है 8वां स्थान है, ठीक है, और पहला स्थान जो है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा है 41 क्वेश्चन राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो राजस्थान में थोक मूल्य जो सूचकांक है वो 1999-2000 को आधार वर्ष मानकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान की 12वीं योजना में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य हैं, तो कृषि क्षेत्र का जो लक्ष्य था वो था 3.5%, उद्योग का था वो 8% और सेवा क्षेत्र में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 9.5%, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, कांकरेज, थारपारकर, मेवाती, तो ये तीनों गाय की नस्लें हैं, भदावरी जो है वो भैंस की नस्ल हैं। नेक्स्ट हमारा है किस नस्ल की भेड़ से सर्वाधिक लंबे रेशे की ऊन प्राप्त होती हैं, तो सर्वाधिक लंबे रेशे की जो ऊन है वो मगरा, ऊंट भेड़ की जो मगरा नस्लें हैं उससे सर्वाधिक लंबे रेशे की ऊन प्राप्त होती हैं, जबकि क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो चोकला नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारा है किस नस्ल की बकरी के सिंग नहीं होते हैं, तो शेखावटी, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट हमारा है 46, बोझा ढोने एवं तेज चलने के लिए ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, तो सी ऑप्शन हमारा बीकानेरी ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वीर तेजाजी पशु मेला पर्वत सर, ये बिल्कुल सही हैं। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, ये भी बिल्कुल सही हैं। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन हमारा जसवंत पशु मेला मेड़ता शहर से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो जसवंत पशु मेला है वो भरतपुर में लगता है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हुआ था। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में प्रतिवर्ष 250 से भी अधिक पशु मेले लगते हैं, ठीक है, सभी जिलों और अगर हम ग्रामीण स्तर के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सारे जिले और गांव मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 250 से अधिक पशु मेले राजस्थान में प्रतिवर्ष लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंदिरा गांधी नहर को पहले इस नाम से जानते थे, तो इंदिरा गांधी नहर का जो नाम है वो पहले क्या था, राजस्थान नहर। नेक्स्ट हमारा है केंद्र के सहयोग से राजस्थान में भूमि सुधार का कार्यक्रम है, ए वंदना भाग्यम, बी डेजर्ट भाग्यम, सी ए एवं बी दोनों, डी कॉम्बेटिंग डेजर्ट, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा है कॉम्बेटिंग डेजर्ट। नेक्स्ट हमारा है पोद्दारों की हवेली कहाँ पर है, तो पोद्दारों की जो हवेली है वो राजस्थान में झुंझुनू जिले में स्थित है। ओके, थैंक यू।